देर शाम चास थाना क्षेत्र के स्वर्णकार मोहल्ला और अंसारी मोहल्ला के शरारती तत्वों के द्वारा हुए आपसी विवाद में जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना के बाद चास के SDPO पुरुषोत्तम कुमार सिंह चास थाना प्रभारी के साथ मौके पर कैंप कर रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। इस बीच चास थाने में दोनों तरफ से लोगों को जमावड़ा लगा हुआ है, जहां कुछ लोग पुलिस से ही उलझते नजर आए। जानकारी के मुताबिक चास थाने में शांति समिति की बैठक चल रही थी, इसी दौरान अंसारी मोहल्ला और स्वर्णकार मोहल्ला के बीच मुख्य पथ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बुलेट से पार करने के दौरान आपस में उलझ गए। उसके बाद दोनों तरफ से गाली गलौज हुई और कुछ देर बाद पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी हुई, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। स्थानीय लोगों ने कुछ युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस ने मौके पर अधिकारी और पुलिस बल की तैनाती कर दी और चास थाने में दोनों ही पक्षों को बैठाकर उनका पक्ष जाना। में तीन आदमी था, तीन लड़का था, आ रहा था तो मोहल्ले का लड़का टच हो गया, तो बाबू बढ़िया से चलाओ, तो इसी पे गाली गलौज, जाओ ना रे बहुत बड़का तुम लोग, रंगबाज हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बातचीत हो गया, इधर से भी गाली दिया, उधर से भी गाली दिया, चला गया। एक बार उधर से आया 10-15 आदमी, 20 आदमी, 30 आदमी आया और आके यहीं पे पकड़ के मारने लगा। पूरा मारा मारी होने के बाद फिर इधर से भी जब सब कोई समझाने लगा तो समझने नहीं लगा, तो दो लड़का पकड़ाया, प्रशासन उसको लेके चल गया, दो लड़का पकड़ाया, वो लोग को पकड़ के हम लोग रखे थे कि भाई घर में घुस के लोग मारने का कोशिश कर रहा था, वही दो लड़का को प्रशासन उठा के ले गया। हाँ, आज चास थाना क्षेत्र के स्वर्णकार मोहल्ला के पास कुछ शरारती तत्वों द्वारा आपस में मारपीट किया गया था, उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ है वहाँ पे। अभी मामला पूरा नियंत्रण में है, कोई और ऐसी कोई विशेष बात नहीं। क्या चीज़ को लेकर हुआ था सर? बाइक से कुछ लड़के जा रहे थे, उसी में बाइक से रास्ते पर जो लोग खड़े थे उनके साथ विवाद हुआ नहीं हटने के कारण, और उसके बाद आपस में मारपीट हुई, फिर अन्य लोग भी उसमें शामिल हो गए और उसके बाद विवाद बढ़ गया था। शांति के लिए क्या आपने व्यवस्था की? वहाँ अलग से फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और निरंतर रूप से वहाँ गश्त की जा रही है। कुछ लोग छोटी इंजरी? हाँ, जो एक दो लोग को हल्की इंजरी है तो उनके इलाज कराया जा रहा है। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।